हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बहुत दिस इज अवेदन निर्वाचन छोटे हफ्ते थे। तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोर्स की वीडियो नंबर वन है, जिसमें बहुत आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इसमें आप इंट्रोडक्शन सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं अमेजिंग बताऊंगा, जो कि आपको किसी और ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगी। तो बहुत यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत आपने जाना है MS, मतलब आपने विंडोज में, यहाँ पर आपने विंडो के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आपने MS या फिर सिंपली वर्ड टाइप करना है। वर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो है, यहाँ पर आपने विंडो और ऊपर वाले जो एरो है उसको दबाना है। यहाँ पर जैसे अगर इसको प्रेस करेंगे तो बहुत यहाँ पर आपके सामने ये तमाम चीज़ें जो है, ये इसका इंटरफेस है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका इंटरफेस है। मतलब यहाँ पर हम लेते हैं ब्लैक डॉक्यूमेंट, और ब्लैक डॉक्यूमेंट जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पर आपके सामने कुछ नज़र आ गया, जो कि बहुत ही रेयर सा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीन को थोड़ा सा और, मतलब यहाँ पर मैं मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज। तो चलो, जैसा भी है, आपको समझ आ रही होगी यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारा क्या, ये है हमारा रिबन। रिबन क्या कहलाता है? यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो हमारा है ना, ये चीज़ें जिसमें फाइल आ जाती है, होम आ जाती है, इंस्टॉल डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ें हमारा रिबन का हिस्सा है और ये रिबन कहलाती है। उसके बाद इनके अंदर ये जो इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू व्यू एंड हेल्प टैग है, ये तमाम चीज़ें कहलाती हैं टैब। और इन टैब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मैं होम टैब के दिया, और यहाँ पर ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसके आगे फॉन्ट के आगे आप मजीद चीज़ें, टूल्स वगैरह आप जान सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट में आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगी टूल और ज़्यादातर चीज़ें। यहाँ पर डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पर इसको प्रेस करते यहाँ पर मोर डिज़ाइन, मजीद डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो ये रहा रिबन, और ये रहा इसके जो टैप है, और इसके अंदर ये रहे इनके टूल। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें, ये आप टाइपिंग, मतलब इनविजिबल विजिबल भी कर सकते हैं और इनविजिबल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेस करें और ऑटो हाइड रिबन, यानी कि जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक आएंगे तो रिबन ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर जाएंगे रिबन ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। तो दोबारा इसको क्लिक करने से यहाँ पर आपको सिर्फ टैब्स मिलेंगे, उनके जैसे भी टैब्स पर क्लिक करेंगे तभी आपको इनके आगे टूल्स मिलेंगे, और अगर आप इन टैब्स के ऊपर क्लिक नहीं करते तो आपको टूल भी नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है शो टैब्स एंड कमांड, ये बाय डिफॉल्ट आता है, जो कि हम आप यानी कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आप जाते हैं, मतलब आगे आगे हम आ जाते हैं कि वर्क एरिया क्या होता है। यहाँ पर ये जो आपको रूलर दिखाई दे रहा है, ये रूलर आप मतलब विजिबल भी कर सकते हैं। तो बहुत यहाँ पर इसको विजिबल करने के लिए आपने रूलर पर जाना है, और ये रूलर को अनचेक कर देना, और ये विजिबल हो जाएगा। अगर आप रूलर को रहने देते हैं तो भी ठीक है। ग्रिड लाइन को अप्लाई अपीयर करना चाहते हैं तो भी ठीक है। उसके बाद नेविगेशन पैन को अपीयर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोई हेडिंग लिखता हूँ, कोई पेज ऐड करता हूँ, कोई रिजल्ट ऐड करता हूँ, तो वो तमाम चीज़ें मुझको यहाँ पर शो हो सकती हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको विजिबल कैसे करते हैं, मतलब इसको व्यू कैसे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, कुछ ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर मैं जाता हूँ इस सिंपल से, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक किताब की शक्ल में रीड करूँ। तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये एक बुक की शक्ल में आपको रीड होता हुआ नज़र आएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है रीड मोड, इसके ऊपर क्लिक करके अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट लेआउट, ये बाई डिफॉल्ट हमको आता है, जिसमें हम एडिट करते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करते हैं। और ये जो चीज़ें, ये हमारी वेब की है, मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें आप ये चीज़ें अपलोड करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये आती है जूम इन एंड जूम आउट, जैसे कि आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद अगर आप जूम करना चाहते हैं वैसे, मतलब माइक्रो माउस की मदद से, तो ये आप यहाँ पर इसको कंट्रोल को क्लिक करने दें। कंट्रोल को क्लिक करते हुए जो स्क्रोल बार है, इसको यहाँ पर हाइट और मतलब ऊपर नीचे करें तो यहाँ पर ये हो सकता है, जैसे कि स्क्रोल को रोल करने पर ये तमाम चीज़ें हमको नज़र आ जाएंगी। तो ये था एक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने MS वर्ल्ड को जाना, MS वर्ल्ड में रिबन क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, टैब्स के अंदर टूल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें व्यू कैसे करते हैं, ये सब कुछ
आपने यहाँ पर करनी। तो बॉस आई होप आपको ये वीडियो इंतहाई अच्छी लगी होगी। तो बॉस वीडियो बहुत बेहतरीन अगर हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बॉस।